हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ केक की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक है। आज हम इस केक को बनाएंगे गेहूं के आटे और गुड़ के साथ। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस केक को बनाने के लिए हम एक बाउल में 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लेंगे और साथ में 1/3 कप दही भी डाल देंगे। इस केक को बनाने के लिए आज हम यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम आज गुड़ यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ग्रेटेड गुड़ यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून गुड़ और भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। ये देखिए, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। गुड़ भी एकदम मिक्स हो गया और मेल्ट भी हो गया है। अब हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसके लिए हम इसमें एक छलनी रखेंगे। छलनी में हम 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। सबसे पहले हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। इन सबको हम अब छान लेंगे। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्पैचुला के साथ कट एंड फोल्ड करते हुए हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए इसे ओवर मिक्स नहीं करें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूध को थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हमारा बैटर तैयार है। इसकी रिबन जैसी फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ता, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड की है। इसको बैटर में डालने से पहले थोड़ा सा गेहूं के आटे से आप डस्ट कर लें। और केक के बैटर में डालकर मिक्स कर दें। ऐसा करने से जब हमारा केक बेक होगा तब ये ड्राई फ्रूट्स नीचे नहीं बैठेंगे। अब हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे। उसमें हम करीब 1 कप जितना नमक डाल देंगे।
एक स्टैंड या कोई ऐसी रिंग उसमें डाल दें आप। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए कढ़ाई को गर्म करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। अब हम अपने केक के मोल्ड को भी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 6 इंच का मोल्ड लिया है। इसको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। फिर इसको ड्राई आटे से डस्ट कर लेंगे। इसमें केक के बैटर को डाल दें। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी ऊपर से भी डाल दी हैं। इनको डालने के बाद केक के मोल्ड को हम 2-3 बार टैप कर लेंगे। कढ़ाई को गर्म हुए अब 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें केक के मोल्ड को रखेंगे। केक के मोल्ड को रखते टाइम बहुत ही केयरफुली रखें, क्योंकि इस टाइम कढ़ाई बहुत ही गर्म है। और हम इसको रखने के बाद इसको कवर करेंगे ढक्कन से और फिर 35 से 40 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे। अगर आप ओवन में केक बना रहे हैं तो आप ओवन को पहले 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लें और फिर 35-40 मिनट्स तक बेक करें। दोनों ही मेथड में आप इसे टूथपिक या नाइफ से भी चेक कर सकते हैं। आप टूथपिक या नाइफ को केक के सेंटर में इंसर्ट करें। अगर वो बिल्कुल क्लीन निकलती है तो इसका मतलब आपका केक रेडी है, नहीं तो इसको कुछ देर और पकाइए। अब हमारा केक तैयार हो गया है। अब हम इसे केयरफुली उतार कर किसी स्टैंड के ऊपर रख लेंगे और एक गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे और इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तो आप केक के किनारों को किसी चाकू की मदद से अलग कर लें। और केक को एक प्लेट पर निकाल लें। हमारा सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक तैयार है।